तो बच्चों आज हम करेंगे एनिमल किंगडम। क्लास इलेवेंथ का चैप्टर फोर्थ है एनिमल किंगडम। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे संबंधित है। कैटेगराइजेशन करने का, ग्रुपिंग करने का, क्लासिफाई करने के कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से मेथड हैं, वो पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि एनिमल एक्चुअली में होते क्या है। एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर एंड हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताई गई है कि एनिमल हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और साथ में ही इनमें सेल वॉल नहीं होती और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता जो कि प्लांट में पाया जाता है। 11 मेजर फाइला ऑफ किंगडम एनिमेलिया, कौन कौन से फाइलम है। सबसे पहला फाइलम है पोरीफेरा, दूसरा निडेरिया, तीसरा टीनोफोरा, चौथा प्लेटीहेलमिंथीज, पांचवा एस्केल्मिंथीज, छठा एनेलिडा, नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। तो जितने भी एनिमल्स हैं, टोटल एनिमल्स को 11 फाइलम्स में कैटेगराइज किया है, बांटा गया है, और सारे फाइलम हैं वो डिटेल में हम करेंगे। मतलब क्या हैबिटेट होता है, क्या बॉडी स्ट्रक्चर होती है, और क्या उनके स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, वो सारी चीजें हैं वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है कि वो कौन से क्राइटेरियन हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनके आधार पर एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है, एनिमल्स को क्लासिफाई किया है, बांटा गया है। जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बच्चों समझिए क्या मतलब होता है, कि उसका बॉडी का लेवल, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है। क्या वो मल्टी सेल्ड है, मल्टी सेल्ड है तो उनमें टिश्यू फॉर्मेशन हुए कि नहीं, उनमें ऑर्गन फॉर्मेशन हुआ कि नहीं, उनमें ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन हुए कि नहीं, ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद में बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का मतलब है कि उसकी जो बनावट है वो किस तरीके की है। बच्चों एक इमेजिनरी कट होता है, इमेजिनरी कट का मतलब है क्या ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते, तो उसको काट के नहीं देखना, एक इमेजिनेशन करके देखना है। एक इमेजिनरी डिवीजन होता है, कट होता है, उस में अगर वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो वो सिमेट्रिकल बॉडी है। अगर उसको आप कोई भी तरीके से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं कर सकते तो एसिमेट्रिकल बॉडी कहलाएगी। और सिमेट्री है वो भी कई तरीके की होती है, यहाँ पर आगे डिटेल में करेंगे कि कौन कौन से प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। इसके बाद में जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर का मतलब है बच्चों, आपने पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है, और जाइगोट है वो डेवलप हो करके और बनाता है एम्ब्रियो। तो सबसे पहली लेयर्स कौन कौन सी बनती हैं, क्या दो लेयर से बॉडी है वो फॉर्मेशन होती है या तीन लेयर्स बनती हैं, तो इस आधार पर, जर्म लेयर्स के आधार पर भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया है, बांटा गया है। और चौथा है सीलोम, दैट इज बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब है कि उसकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कैविटी पाई जाती है। जो आप ये देखेंगे कि हमारी बॉडी है, बाहर से बनावट है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, क्या वो ऑर्गन्स हमारी बॉडी वॉल के साथ में जुड़े हुए हैं या उनके बीच में कोई गैप है, वो गैप को हम क्या बोल रहे हैं, बॉडी कैविटी बोल रहे हैं। अगर इस तरीके का कोई गैप नहीं मिलता, कोई स्पेस नहीं मिलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसीलोमेट या नो बॉडी कैविटी है। तो कितने टाइप की बॉडी कैविटी मिलती है वो भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब होता है सेगमेंटेशन, ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेगमेंटेड है या नहीं है, इस आधार पर भी बांटा गया है। और नेक्स्ट है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक कार्टिलेजिनस रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। अगर नोटोकॉर्ड पाई जाती है तो वो कॉर्डेट कहलाएंगे, अगर नहीं पाई जाती तो वो नॉन कॉर्डेट कहलाएंगे। तो
सारी चीजें हैं वो चर्चा करेंगे। इन सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है, आप अच्छे से उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहली जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आधार पर एनिमल्स को कैटेगराइज किया है वो है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू फोर लेवल्स, चार प्रकार में, चार लेवल्स में बांटा है सेल्स की अरेंजमेंट के आधार पर। सबसे पहला टाइप है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो मल्टी सेल्ड है परंतु अभी टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सेल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही हैं, टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुआ है उसकी बॉडी में, तो वो कहलाता है सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा टाइप है टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज फॉर्मेशन हो चुके हैं, टिश्यू बन चुके हैं, अलग अलग काम के लिए टिश्यू का फॉर्मेशन हो चुका है, तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, टिश्यू लेवल। थर्ड टाइप ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी सिंपल मीनिंग, अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑर्गन्स फॉर्मेशन हो चुके हैं, ऑर्गन बन चुके हैं, तो उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन लेवल का हो जाएगा। और चौथा टाइप है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मींस ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसमें ऑर्गन सिस्टम्स बन गए हैं, जिस तरीके से हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, तो अलग अलग काम को बांटने के, अलग अलग काम को करने के लिए हमारी बॉडी में ऑर्गन्स और हैं वो मिलकर के और सिस्टम बना रहे हैं, बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। सबसे पहले बात करेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स, मतलब सेल्स हैं वो आ तो गई हैं, एग्रीगेशन तो हो गया है परंतु टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म तो है परंतु टिश्यू नहीं बने हैं, तो एग्रीगेशन हुआ है, समूह में आए हैं, टिश्यू फॉर्मेशन अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि टिश्यू की डेफिनेशन आपको पता है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन, दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज नोन एज, दैट ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, टिश्यू। परंतु हमारे यहाँ पर अभी यहाँ ये एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, इसमें सेल्स हैं वो टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सिर्फ एग्रीगेट हुई है, और इसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा। दूसरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, एग्जाम्पल निडेरियंस एंड टीनोफोर्स, निडेरिया और टीनोफोर है, इनमें टिश्यू फॉर्मेशन हो गया परंतु अभी भी इनमें ऑर्गन नहीं बने, तो ये अलग हो गए, एक कैटेगरी बन गई। इसके बाद में नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यूज आर अरेंज्ड इनटू ऑर्गन्स, एग्जाम्पल हायर एनिमल्स, प्लेटीहेल्मिंथीज टू कॉर्डेट्स, प्लेटीहेल्मिंथीज से लेकर के कॉर्डेट तक इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे। और इसके बाद में लास्ट कैटेगरी है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू ऑर्गन सिस्टम, ईच सिस्टम परफॉर्म्स ए फिजियोलॉजिकल फंक्शन, और इसका एग्जाम्पल है हायर एनिमल्स। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर चार टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, चार अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। इसके बाद में यहां आप चर्चा करेंगे, यहां डायग्राम में भी आप देख लीजिए, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स शो कॉम्प्लेक्सिटीज, एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू टाइप्स, इनकम्प्लीट, इट हैज ओनली ए सिंगल ओपनिंग दैट एक्ट्स एज माउथ एंड एनस, एग्जाम्पल निडेरिया एंड प्लेटीहेल्मिंथीज। डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी इनकम्प्लीट है, दो ओपनिंग होनी चाहिए, एक माउथ है दूसरा एनस, यहां पर एक ही ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है, तो सिंगल ओपनिंग में वो इधर से ही खाता है और इधर से ही बाहर निकालता है, तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा कहलाएगा, इनकम्प्लीट कहलाएगा, एग्जाम्पल निडेरिया एंड प्लेटीहेल्मिंथीज। ये हाइड्रा देख पा रहे,
ये प्लेन एरिया है प्लेटी हेलमेंथीज का। इसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम इज टू टाइप्स, सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो आप चीजें हम चर्चा कर लेंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन हाइड्रा एंड प्लेन एरिया, सिंगल ओपनिंग होती है, और ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन राउंड वर्म, माउथ है और उसका दूसरा एंड है वो एनस होता है। इसके बाद में आप ये देखिए, सिमेट्री का मतलब एक इमेजिनरी प्लेन है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म को इक्वल पार्ट में बांटा जा सकता है या नहीं बांटा जा सकता। तो सिमेट्री के बेसिस पर दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन टू साइड्स ऑफ मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी बेस्ड ऑन सिमेट्री। एनिमल्स आर टू टाइप्स, एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब है कि दो बराबर इक्वल पार्ट्स में उसको आप बांट नहीं सकते हैं, तो वो कहलाएंगे एसिमेट्रिकल बॉडी। यहां आप देख पा रहे ये एसिमेट्रिकल बॉडी है, और इस इमेज में आप देखेंगे कि दो इक्वल पार्ट्स में उसको इमेजिनरी कट से बांटा जा सकता है। दोनों पार्ट हैं वो इक्वल ऑर्गन्स रखते हैं, इक्वल पार्ट्स होते हैं, तो उसको सिमेट्रिकल बॉडी बोलते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इन टू सिमिलर पार्ट्स, एग्जांपल मोस्ट पोरिफेरेंस स्नेल्स एटसेट्रा। सेकंड, सिमेट्रिकल बॉडी कैन बी डिवाइडेड इन टू सिमिलर पार्ट्स, तो वो कहलाएगी सिमेट्रिकल बॉडी। आप यहां देख पा रहे हैं ये इमेज में, ये सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, और ये सिमेट्रिकल है, और ये दो है वो एसिमेट्रिकल होते हैं। जिनकी बॉडी सिमेट्रिकल होती है उनके दो टाइप है, रेडियल सिमेट्री है और बायलेटरल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन के द्वारा कट किया जा सकता है। आप इसको यहां देख पा रहे हैं, ऐसे कट कर दीजिए, ऐसे कट कर दीजिए, ऐसे कट कर दीजिए, ऐसे कट कर दीजिए, किसी भी तरीके से इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं, तो वो कहलाती है रेडियल सिमेट्री। और बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है ओनली सिंगल प्लेन, एक तरीका है जो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है। आप यहां इसको इमेज देख पा रहे हैं, ये एक तरीका है, ऐसे ही कट कर सकते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कट करेंगे तो अनइक्वल पार्ट हो जाएंगे। तो जो सिंगल प्लेन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। स्लाइड में देख लेते हैं क्या है। इन रेडियल सिमेट्री हेयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ्स बाई एनी वर्टिकल प्लेन अलोंग सेंट्रल एक्सिस ओरल एबोरल एक्सिस ऑफ द बॉडी, एग्जाम्पल सम पोरिफेरेंस निडेरियंस टीनोफोर्स एंड इकानोडर्मेट्स, ये इनमें पाए जाते हैं रेडियल सिमेट्री। जो ये आप ब्रैकेट में देख लीजिए बच्चों, याद रखने वाली बात है, इकानोडर्म्स हैं उनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, परंतु अडल्ट फॉर्म है उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसके बाद में बायलेटरल सिमेट्री, हेयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन, एक ही प्लेन है जिसके द्वारा उसको बराबर भागों में बांट सकते हैं, एग्जाम्पल प्लेटी हेलमेंथीज टू कोर्डेटा एक्सेप्ट अडल्ट इकानोडर्मेट। प्लेटी हेलमेंथीज से लेकर के कोर्डेटा तक बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं, परंतु इकानोडर्मेट है वो रेडियल सिमेट्री हो जाती है, या कहना चाहिए पेंटामेरस सिमेट्री हो जाती है। तो सिमेट्री के आधार पर ऑर्गेनिज्म को हम बांटेंगे। इसके बाद में यहां और आगे देखिए, ये आपकी बुक में डायग्राम दिया है, आप इसको ऐसे कट कर सकते हैं, ऐसे कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं, ये रेडियल सिमेट्री। और बायलेटरल सिमेट्री में आप देखिए एक ही तरीका है, सिंगल प्लेन है जिसके द्वारा इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं, और कोई तरीका कोई प्लेन हो नहीं सकता इसको। बायलेटरल सिमेट्री है, बायोलेटरल सिमेट्री है एन इमेजिनरी प्लेन थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ्स एंड बोथ हाफ्स हैव मिरर इमेज, दो पार्ट में बांट सकते हैं एक प्लेन के द्वारा, और दोनों प्लेन है वो इक्वल हाफ्स होते हैं, मिरर इमेज रखते हैं, मतलब बराबर होते हैं। द बॉडी ऑफ बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैज ए डोर्सल अपर साइड, ए वेंट्रल लोअर साइड, लेफ्ट एंड राइट लेटरल साइड्स, एंटीरियर सिफेलिक साइड एंड पोस्टीरियर एनल और टेल साइड।
जो सिमेट्रिकल बॉडी है उसमें ये साइड होती है, अपर साइड होती है, लोअर साइड होती है। अपर साइड को डोर्सल बोल रहे हैं, लोअर को वेंट्रल बोलते हैं। राइट और लेफ्ट होते हैं, एंटीरियर हेड पार्ट होता है, पोस्टीरियर टेल पार्ट होता है। तो इस तरीके से उसकी बॉडी है वो बटी हुई रहती है, जबकि एसिमेट्रिकल में या रेडियल सिमेट्रिकल में इस तरीके का डिवीजन आप नहीं पता लगा सकते। इसके बाद में जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स का मतलब क्या होता है कि जो जाइगोट सेल डिवीजन करके और मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर बनते हैं, मल्टी सेल्ड हैं वो लेयर्स में आ जाती हैं। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो दो जर्म लेयर से बन रही है तो उसको डिप्लोब्लास्टिक, तीन लेयर से बन रही है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। आप दोनों ही टाइप के यहां पर पढ़ेंगे। दीज आर लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम विच ऑल द बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जर्म लेयर्स एनिमल्स आर टू टाइप्स। जहां पूरी बॉडी फॉर्मेशन जर्म लेयर से होती है तो कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का मतलब है कि जर्म लेयर्स हैं वो दो ही होती हैं, दो ही बनती हैं और उनसे बॉडी फॉर्मेशन होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है तीन जर्म लेयर्स बनती हैं और उनसे बॉडी फॉर्मेशन होती है, तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। आप एम्ब्रियो डेवलपमेंट को यहाँ डायग्राम के द्वारा समझिए। एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसील बनी, ब्लास्टुला, यहाँ पर एक इन्वर्जन हो गया, यहाँ अंदर की ओर ये धसना शुरू हो गया। ये सेल्स है, ये आउटर लेयर और ये इनर, इसको सील का मतलब कैविटी है। इस तरीके से ये अंदर की ओर घुसना शुरू हो गया तो ये कैविटी बन गई, जिसको ब्लास्टोपोर बोल रहे बच्चों। ये ब्लास्टोसील बनी है, ये पोर बन गया और अब ये डेवलपमेंट हुआ है, अब लेयर बन गई है। यहां पर आप देखेंगे लेयर बन गई है। आउटर लेयर को एक्टोडर्म बोल रहे हैं, मिडिल लेयर है उसको मीजोडर्म बोल रहे हैं और इनर लेयर है वो एंडोडर्म बन गई है। तो तीन लेयर्स का अरेंजमेंट यहां पर हो गया है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और इन्हीं तीन लेयर से पूरी बॉडी फॉर्मेशन, हेड बनेगा, उसके बोन्स बनेंगी, हार्ट बनेगा, लीवर बनेगा, स्किन बनेगी, पूरे बॉडी पार्ट्स हैं वो इन्हीं तीन लेयर से बनते हैं, इसीलिए इनको हम जर्म लेयर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए दोनों टाइप के, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में। डिप्लोब्लास्टिक में आप देखेंगे एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही लेयर हैं, ये आउटर एक्टोडर्म है और इनर एंडोडर्म है, तीसरी लेयर नहीं है। जब दो लेयर ही बनती हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड में तो उनको हम क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और अगर तीनों लेयर बन जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, तो ये कहलाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। देख लीजिए डायग्राम में, जर्मिनल लेयर्स के आधार पर दो टाइप, एक्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म। और इन दोनों लेयर्स को जोड़ने के लिए एक ए सेलुलर लेयर आई जाती है, उस ए सेलुलर लेयर को बोलते हैं मीजोग्लिया। एक्टोडर्म नॉन लिविंग लेयर दैट इज मीजोग्लिया एंड एंडोडर्म, दो ही लेयर पाई जाती है। यहां सेल्स की लेयर नहीं है मीजोग्लिया, इसलिए इसको हम लेयर में काउंट नहीं करते हैं, जर्म लेयर में काउंट नहीं करते। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में आप देखेंगे एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। आप यहां बहुत क्लियर दिखाया है एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म और सबसे अंदर की लेयर है एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या होता है, टू जर्म लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। इन बिटवीन दीज लेयर्स एंड अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर कॉल्ड मीजोग्लिया इज प्रेजेंट, एग्जाम्पल निडेरिया एंड टीनोफोरा। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन होते हैं, निडेरिया और टीनोफोरा में डेवलपमेंट जर्मिनल लेयर से होता है, इसलिए ये कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखिए थ्री जर्म लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मीजोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। एग्जाम्पल प्लेटी हेलमेंथीज टू कोडेटा। जो बाकी एनिमल्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं क्योंकि उनका डेवलपमेंट है वो तीन जर्मिनल लेयर से होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है सीलोम या बॉडी कैविटी। सीलोम और बॉडी कैविटी है, इसका मतलब क्या होता है,
सीलोम और बॉडी कैविटी के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को तीन टाइप में बांटा है, ए सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट एंड सीलोमेट। व्हाट इज सीलोम? इट इज द कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म। इट इज सीन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। थर्ड पॉइंट, सीलोम सेपरेट्स द मसल्स ऑफ गट एंड बॉडी वॉल। एंड नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सीलोम एनिमल्स आर थ्री टाइप्स, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है। ये मीजोडर्म है वो डिवाइड हो गई है, स्प्लिट हो गई है, आउटर मीजोडर्म, इनर मीजोडर्म और उसके बीच में एक स्पेस बन गया है, कैविटी बन गई है, जिसको हम बोलते हैं सीलोमिक कैविटी। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो बॉडी वॉल है वो अंदर के ऑर्गन्स के वॉल से अलग रहती है। आप ये नहीं कह सकते कि बॉडी वॉल के साथ में लीवर जुड़ा हुआ है। बॉडी वॉल और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है, उसी को हम बॉडी कैविटी बोलते हैं। आप यहां पर भी देख पा रहे हैं, गट कैविटी है, ये गट कैविटी और लाइंड बाई बॉडी कैविटी सीलोम और पेरिटोनियम। जो गट वॉल है आपके, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बॉडी कैविटी के द्वारा कवर रहता है। ऑर्गेनिजम्स में इस तरीके की बॉडी कैविटी अगर पाई जाती है तो सीलोमेट, अगर नहीं पाई जाती तो ए सीलोमेट, और इससे कुछ डिफरेंट मिलती है तो स्यूडो सीलोमेट, मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी मिलती है। तीनों ही टाइप यहां पर चर्चा करेंगे, ए सीलोमेट, नो सीलोम। आप यहां देख पा रहे हैं ये आउटर एक्टोडर्म है, इनर एंडोडर्म है, इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई कैविटी नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे? असीलोमेट कहलाएंगे। द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव कैविटी इज फिल्ड विद मैट्रिक्स पैरेन्काइमा, एग्जांपल पोरीफेरा टू प्लेटी हेलमिंथीज। मतलब उनमें कोई बॉडी कैविटी स्पेस मिलता ही नहीं, दोनों आउटर बॉडी वॉल के और इनर गट वॉल के बीच में। इसके बाद में दूसरा टाइप है स्यूडोसीलोमेट, फॉल्स बॉडी कैविटी और फॉल्स सीलोम। हेयर द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। ट्रू बॉडी कैविटी है वो तो मीजोडर्म के द्वारा बनेगी, मीजोडर्म के द्वारा कवरिंग होगी, परंतु यहां ऐसा है, बॉडी कैविटी तो पाई जाती है परंतु मीजोडर्म के द्वारा नहीं कवर होती है, इसलिए इसको फॉल्स बोल रहे हैं। मीजोडर्म इज स्केटर्ड पाउचेज, मीजोडर्म है वो स्केटर्ड पाउचेज के फॉर्म में मिलती है, एग्जाम्पल एस्केल्मेंथीज। आप यहां देख पा रहे हैं ये मीजोडर्म बीच बीच में है, ये देखिए पाउचेज के रूप में मिलती है, और यहां स्पेस मिलता है आउटर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, यहां स्पेस मिलता है, जिसको हम स्यूडोसीलोमेट बोल रहे हैं। और तीसरा टाइप है सीलोमेट, ट्रू बॉडी कैविटी, जहां पर आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म और मीजोडर्म है वो स्प्लिट होकर के एक स्पेस बन गया है, जिसको आप सीलोम या बॉडी कैविटी बोल रहे हैं। हेयर सीलोम अराइजेस फ्रॉम मीजोडर्म, सीलोम इज लाइंड बाय पेरिटोनियल लेयर एंड फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूइड। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसको सीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। और सीलोमेट टाइप की बॉडी कैविटी है वो किस में मिलती है? एनेलिडा टू कॉर्डेटा, एनेलिडा से लेकर के और कॉर्डेट है वो सारे सीलोमेट टाइप, सीलोमेट कहलाते हैं क्योंकि उनमें ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है। ये आप देख पा रहे हैं यहां इनका कट सेक्शन देखिए, बॉडी कवरिंग फ्रॉम एक्टोडर्म, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम एंडोडर्म, और इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, टिश्यू फील्ड रीजन फ्रॉम मीजोडर्म, कोई स्पेस इनमें नहीं पाया जाता। इस स्यूडोसीलोमेट में आप देखेंगे कि यहाँ पाचेज के रूप में पाई जाती है मीजोडर्म, और बीच बीच में स्पेस पाए जाते हैं, और ट्रू बॉडी कैविटी है, इसको कट सेक्शन आउटर बॉडी वॉल है जो एक्टोडर्म से बनी है, इनर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जो एंडोडर्म से बना है, और बीच में जो स्पेस पाए जाते हैं टिश्यू लेयर लाइनिंग एंड सीलोम एंड सस्पेंडिंग इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम मीजोडर्म, सारे ऑर्गन्स हैं वो मीजोडर्म से बने हैं और उनमें उनके बीच में एक स्पेस है, कैविटी है, जिसको बॉडी कैविटी बोलते हैं। ये देख लीजिए फंक्शंस ऑफ सीलोम, क्या फंक्शन होते हैं। इट अकोमोडेट्स विसरल ऑर्गन्स,
जो बॉडी कैविटी होती है वो अकोमोडेट करती है। विसरल ऑर्गन्स का मतलब इंटरनल ऑर्गन्स है, वो सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। सीलोमिक फ्लूड रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन विसरल ऑर्गन्स, जो इसके अंदर जो फ्लूड भरा होता है इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में या बॉडी कैविटी में, वो ऑर्गन्स को फ्रिक्शन से बचाने में मदद करती है। और नेक्स्ट है इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, ये पूरा फ्लूड फील्ड इंटरनल पार्ट को कवर करता है, फ्लूड फील्ड होने की वजह से चोट है आघात है उससे बचाने का भी काम करती है बॉडी कैविटी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब होता है इट इज द फिनोमिनन इन विच द बॉडी और ऑर्गन्स इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू रिपीटेड सेगमेंट्स मेटामियर्स। आप यहां देख पा रहे हैं इनमें सेगमेंटेशन पाया जाता है, लगातार सेगमेंट पाए जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, सेगमेंटेड बॉडी कहलाएगी। और वो सेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। अगर सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है तो ए सेगमेंटेड बॉडी कहलाएगी। तो आप यहाँ सेगमेंट देख पा रहे हैं या एनिमल की बॉडी है, सेगमेंटेड बॉडी है। एग्जाम्पल एनेलिडा अर्थवॉर्म एटसेट्रा एंड आर्थ्रोपोड्स, ये भी सेगमेंटेड बॉडी रखते हैं। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है नोटोकोड। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नोटोकोड पाई जाती है तो वो कोडेट और नहीं पाई जाती तो नॉन कोडेट। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोल रहे हैं नोटोकोड। ये कार्टिलेज की सपोर्टिंग रॉड होती है जो डोर्सल साइड में पाई जाती है। तो जिनमें नोटोकोड मिल रही है कोडेट है, तो यहाँ आप ये डायग्राम देखिए नोटोकोड है, डोर्सल होलो नर्व कोड, इसके ऊपर डोर्सल होलो नर्व कोड है, पोस्ट एनल टेल है, एनएस के बाद में टेल लगी है और फेरिंजियल गिल स्लिट्स है। तो नोटोकोड है वो सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ये नोटोकोड है या नहीं है इसके आधार पर हमारी बॉडी में नोटोकोड नहीं पाई जाती, परंतु एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वो नोटोकोड है वो पाई जाती है, इसलिए हम भी कोड 8 में शामिल है। ये देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है तो नोटोकोड है वो पाई जाती है और वो रिप्लेस हो जाती है, बदल जाती है किसके द्वारा, बैकबोन के द्वारा। देख लीजिए स्लाइड में क्या बोला है, इट इज ए मेसोडर्मली ड्राइव्ड सपोर्टिंग रॉड फॉर्मड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। सेकेंड पॉइंट, एनिमल्स विद नोटोकोड आर कॉल्ड कोडेट्स एंड दोज विदाउट नोटोकोड आर कॉल्ड नॉन कोडेट्स। कौन कौन से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। किंगडम एनिमेलिया एट ए ग्लांस, फाइलम, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, सिमेट्री, सीलोम, इनके आधार पर पोरीफेरा है उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, जर्म लेयर्स डैश बॉडी सिमेट्री ए सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब उनको इक्वल पार्ट में आप काट ही नहीं सकते और कुछ पोरीफेरेंस है उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, बॉडी कैविटी एसिलोमेट उनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, नीड एरिया टीनोफोरा, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री रेडियल, सिलोमिक कैविटी एसिलोमेट, प्लेटी हेलमंथी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री बायलेटरल, सिलोम एसिलोमेट, एस्कल्मेंथीज ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिमेट्री बायलेटरल और बॉडी कैविटी है वो स्यूडोसिलोमेट। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, इन सभी फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है और सिलोमेट होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों एक हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, एक क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया कि कैसे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग फाइलम्स में बांटेंगे। थैंक यू वेरी मच।